गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और आज जैसे आप देख रहे हो कि मैं कहाँ आई हूँ, तो आज थोड़ी टेंशन है। आज मैं आई हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि अचानक से ही अभी पता चला जो मेरी देवरानी है उनके बेबी होने वाला था, लेकिन अभी उनकी डेट अक्टूबर में थी, लेकिन अभी अचानक से ही उनको पेन होने लग गया था। अभी 20 डेज पड़े हैं, उनको 10 अक्टूबर की डेट दे रखी थी डॉक्टर ने, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही उनको मतलब अभी वो फोन आया था कि मतलब अचानक से ऐसे ऐसे बात है। तो हम अभी जल्दबाजी में आए हैं यहाँ हॉस्पिटल, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि आके यहाँ पे पता चला है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन होगा। उनको नॉर्मली कहते हैं ना कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन ऑपरेशन होगा, तो उससे थोड़ी टेंशन हो गई है। मम्मी जी को भी थोड़ी टेंशन हो गई है। अभी डॉक्टर बात कर रहे हैं, देखते हैं कि अगर ऑपरेशन होता है क्या होता है, क्योंकि मैं भी अभी आई हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ आके नहीं तो मिलती हूँ। मैं देख रहा हूँ ये हॉस्पिटल है और ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाते हुए, सांस फूला मेरा अभी। तो मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। खड़े हैं मेरे देवर जी छोटे और साथ में हस्बैंड खड़े हैं, क्योंकि अभी सभी टेंशन में आए हुए हैं क्या होता है क्या नहीं। बस भगवान से प्रे कर रही हूँ कि सब अच्छा ही हो, कुछ खराब ना हो, क्योंकि बहुत ही दिक्कत से बहुत ही परेशानियाँ झेल के इतना टाइम काटना पड़ता है, और अगर उसका फल ना मिले तो अच्छा नहीं लगता है सही में। अभी मम्मी जो है वो टेंशन में आई और हम सब टेंशन में आए हैं, भगवान करे बस जब सब अच्छा हो जाए। हाँ, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। क्या होगा बाबू? टेंशन हो रही है, खुशी हो रही है? ये देखो ये हस्बैंड है, ये टेंशन में खड़े हैं। अरे ठीक है। ये देखो ये भैया हैं, इनके बेबी बॉय हुआ है, तो इनकी खुशी देखो, हैप्पी हैं वो। गली गली के अंदर आके है हॉस्पिटल। अभी ये अंदर को जाके हॉस्पिटल है, अभी हम भी ढूंढ रहे थे बड़ी देर से, हमको मिल नहीं रहा था हॉस्पिटल, क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है। माहौल ऐसा है कि मतलब खुश भी है और टेंशन में भी है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। होता है ना अंदर ही अंदर खुशी भी होती है और टेंशन भी होती है, तो वही वाला हाल है। ये देखो ये पता नहीं क्या ले रहे हैं इस दुकान पे से, यहाँ कोई और दुकान है नहीं अंदर को आके, क्योंकि गली है तो छोटी सी दुकान खोली हुई है। यहाँ पे चाय वाय भी बनाते हैं ये लोग, इससे कुछ लिया जा रहा है। क्या लिया है ये, क्या गंदा सा लिया है, है? तो यहाँ पे मैं आके खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश में मेरा जूता है वो भीग गया है, वो यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, पौधे लगा रहे हैं। ये अंदर की साइड ये दूसरा गेट है जिस जो ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अच्छा लग रहा है खड़ा होने में। थोड़ा आओगे ऊपर, ये नहीं आ रहे हैं, ये नीचे ही खड़े हैं। तो चलिए मिलती हूँ, देखते हैं क्या होता है, भगवान क्या देते हैं फल।
बस उसी का इंतजार हो रहा है, जल्दी से कुछ हो और मैं आपसे मिलूं फिर उसके साथ। तो मिलती हूँ आगे मैं आपसे। जिस चीज़ का आपका इंतजार हो रहा था और जिस चीज़ के लिए मैं बेचैन हो रही थी आप लोगों को बताने के लिए, तो आज मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे घर में आया है एक सुंदर सा चिराग जो हमारे घर को रोशन करेगा। बहुत ही क्यूट है वो, मैंने उसकी पिक देखी है क्योंकि मैंने उसको अभी देखा नहीं है, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हो रही हूँ। मैं आ गई थी घर पर क्योंकि जब बेबी हुआ था मुझे ये पता चल गया था कि बेबी बॉय हुआ है, और उसके बाद क्या कहते हैं बेबी को थोड़ा आईसीयू में रख रखा था, तो इस वजह से मैं देख नहीं पाई थी। तो मैं घर पे आ गई थी क्योंकि लेट हो रहा था और खाना भी बनाना था, तो मुझे लगा कि फिर मम्मी बोल रही थी कि खाना वाना बना के हम फिर आ जाएंगे, तो अभी मैं फिर जा रही हूँ। मैंने खाना वाना बना लिया है और मैं बहुत मतलब एक्साइटेड हो रही हूँ देखने के लिए। तो चलिए मैं आपको घूम के दिखाती हूँ, और आप भी मिलिए हमारे घर के नए चिराग से जो हमारे घर को रोशन करेगा आगे। जो बहुत खुश है, सब बहुत ज़्यादा खुश है पूरी फैमिली हमारी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको, पहुँच के आपको दिखाती हूँ मैं। फ्रेंड्स मैं आई थी बेबी को देखने, लेकिन मेरा लक अच्छा नहीं, आज मैं बेबी को देख ही नहीं पाई हूँ क्योंकि डॉक्टर ने एनआईसीयू में रख रखा है बेबी को। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब छः से सात घंटे उनको मतलब रखेंगे बेबी को, तो इसलिए अभी कल ही देखना होगा। तो फिर मैं कल आपको मिलवाऊँगी उन बेबी से। तो अभी मैं चलो ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, तो जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।